भारत में जब कभी भी संगीत का नाम आता है तो उसमें बिस्मिल्ला खान का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि बिस्मिल्ला खान ने कैसे शहनाई को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट सेकेंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। आप जानते हैं, इन चित्रों को देखिए और उनमें पहचानिए कि कौन सा संगीतकार किस विधा से जुड़ा हुआ है, क्या पढ़ाता है। डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स दे प्ले, इंस्ट्रूमेंट पहचानिए अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। आगे लिखा, थिंक ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और A similar occasion or function. The next would probably be used by Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing with this instrument. Now we should start the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called Phungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Phungi became the generic name for the reeded noise makers. Reed means a narrow pipe. So here we reeded का मतलब हुआ एक पतली जो है पाइप जैसी जो यंत्र होता है उसे कहते हैं noise maker, आवाज़ करने वाला Phungi कहते हैं। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों ने सोचा कि ये revive किया जाएगा, फिर से शुरू किया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली या प्रोफेशनल म्यूजिशियन, बार्बर मीन्स होता है नाऊ जो शॉप पे दुकान पे करता है, ऑफ ए फैमिली या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ Phungi। ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम That was longer and broader than the Phungi and made 7 holes on the body of the pipe when he played it, closing and opening some of these holes. Soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty. Royalty means king, and everyone was impressed. The instrument so different from the Phungi had to be given a name. अब जो यह था instrument ये Phungi से पूरी तरह different था, इसलिए इसे कोई नाम दिया जाना था। As the story goes, since it was first played in the Shah chambers, ये पहले जो है शाह के chamber में play किया गया था, and was played by a Nai barber. और पहले किसके द्वारा प्ले किया गया था, एक नाई के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, शाह मतलब शाह के दरबार में प्ले किया गया इसलिए शाह, और नाई द्वारा प्ले किया गया इसलिए नाई, तो दोनों को मिला के बना शहनाई। नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ Phungi एंड शहनाई। द साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स ग्रेट, वेरी ब्यूटीफुल, something promising to bring good fortune, that is called auspicious. Auspicious, auspicious, auspicious. And for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. अब बता रहा है कि शहनाई हर उत्तर भारत के विवाह में बजाया जाने वाला यंत्र है। In the past, the shehnai was part of naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. अब बता रहे हैं कि पहले जो शहनाई जो राजघरानों के 9 यंत्रों में से एक हुआ करती थी, till recently, अभी जल्दी तक, it was used only in temples and wedding, या केवल जो है मंदिरों और शादियों में बजाई जाती थी। The credit for bringing this instrument onto classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. लेकिन
इस बात का क्रेडिट कि उसे क्लासिकल जो स्टेज म्यूजिक होती है उस पर बजाने का श्रेय, उस पर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? क्रेडिट मीन्स यहाँ होगा श्रेय गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खां। नाउ सी जी स्टैंजा नंबर 3। एज ए 5-year-old बिस्मिल्ला खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट। गिल्ली डंडा एक खेल होता है जो गांव के लड़के खेलते हैं, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, नहीं जानते तो कमेंट करिए हम बताएंगे आपको। स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारीज टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। चैता एक भोजपुरी गीत होता है जिसे आप सुन सकते हैं। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाई द लोकल महाराजा। दिस हैपेंड 80 years ago एंड अ लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न। और फिर बाद में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। बॉर्न ऑन 21 March 1916 बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू बोल रहा। नाउ सी स्टैंजा नंबर 4। बॉर्न ऑन 21 March 1916 बिस्मिल्ला खां बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। मतलब बिस्मिल्ला खां 21 मार्च 1916 को एक संगीत के घरानों में बिहार में पैदा हुए थे। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के राजा के दरबार में वो शहनाई नवाज थे, शहनाई बजाने वाले जो होते हैं उन्हें शहनाई नवाज कहते हैं। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके खानदान में सभी लोग महान शहनाई वादक थे। नाउ स्टैंजा 5। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। जब वो छोटी एज में उनकी मम्मी उनको अपने मैटरनल अंकल मतलब मामा के घर में बनारस में ले गई, बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो जो है बिस्मिल्ला अपने मामा को लोगों को शहनाई बजाते देख करके उत्सुक हो गया, फैसिनेटेड हो गया। सुन बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनाइंग हिज अंकल। जल्दी ही वह अपने जो है मामा के साथ में शहनाई बजाने लगा। अली बख्श उसके मामा का नाम था टू द वीनू टेम्पल ऑफ बनारस। विष्णु टेम्पल में वो शहनाई बजाने लगा। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स। जल्दी ही वह इसका सीखना शुरू कर दिया। इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल। मतलब शहनाई जैसी चीज़ भी सीखने के लिए उसे सालों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आने वाले जो साल हैं समय है द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकम द यंग एप्री टेंसीज फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। अब वह जो मंगला मैया और गंगा के किनारे जो है यह युवा अप्रेंटिस जो सीख रहा था, सीखने वाला था, अप्रेंटिस करने वाला था, कौन? बिस्मिल्ला खां। इसकी फेवरेट जगह बन गए जहां वह सोलिट्यूड में अकेले में खूब प्रैक्टिस कर सकता था दिन दिन भर। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूवाइज एंड इन्वेंट ड्रग्स। गंगा का निर्मल बहता हुआ जल उसे लगातार प्रेरित कर रहा था कि वह अपने आप को भी निर्मल और स्वच्छ बना के इसी तरह इम्प्रूव करे और नए नए राग की खोज करे। दैट वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। जो कि पहले शहनाई की रेंज से दूर माने जाते थे, लेकिन गंगा के किनारे बैठकर उसको देखते हुए शांत चित्त से बिस्मिल्ला खां ने इतनी कठिन तपस्या से प्रैक्टिस की कि उसने शहनाई से नए नए राग पैदा करना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकम्पनाइड। बिस्मिल्ला ने साथ दिया हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस। कहाँ साथ दिया? इलाहाबाद के म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज
रिसाइटल जब उनका गायन समाप्त हुआ, उस्ताद फैयज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फैयज खान जो उस समय के बहुत ही बड़े गायक हुआ करते थे, उन्होंने छोटे बच्चे बिस्मिल्लाह खान का पीठ थपथपाया। पैटेड, पैटेड मीन्स होता है पीठ थपथपाना, और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, तुम बहुत कड़ी मेहनत करो और तुम इसे जो है कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ स्टेशन खोला गया, केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्ला खान को बहुत बड़ा ब्रेक मिला, बहुत बड़ा उनको मौका मिला। यहाँ पर ब्रेक का मतलब होता है मौका। ही सून बिकम एन ऑफन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, उनको बुलाया गया और जो है रेडियो पर सुने जाने वाले, हमेशा प्रायः सुने जाने वाले एक जो है सिंगर बन गए। रेडियो पे उन वाले उनको बुलाते थे और रेडियो पर वो शहनाई हो जाते थे। व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो आज़ादी के समय भी बिस्मिल्ला खान वो प्रथम व्यक्ति बने जिसने जो है आज़ादी का स्वागत शहनाई के साथ किया, इस देश का स्वागत किया। ही प्रोड्यूस्ड हिज हार्ट आउट इन टू राग काफी, उन्होंने अपने दिल को पौर निकाल के रख दिया, पौर कर दिया इन टू राग काफी। कौन से राग में? राग काफी में। फ्रॉम द रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट पर लाल किले पर जहाँ झंडा फहराया जा रहा था वहीं पर उन्होंने राग काफी गाया। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस टाइरेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उस समय सुनने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सभी लोग थे जब भारत आज़ाद हुआ। बिस्मिल्ला खान आउ एच सी चैप्टर नंबर स्टेंजा नंबर 4। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत और विदेश में भी कई अच्छी परफॉर्मेंस दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर्स सोवेनियर्स, उन्होंने अच्छे कालीन और सोवेनियर गिफ्ट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान जहीर शाह वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूजिक, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया टर्नड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। यू कैन सी द मूवी गूंज उठी शहनाई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्ला खान्स वर्चूज इन द फिल्म म्यूजिक वेर लिमिटेड टू टू, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वर्चन शहनाई अपन्ना, दो फिल्में बनी। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विथ इम्फेसिस, अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। यहाँ पर ये फ्रेज हुआ है थिक एंड फास्ट, मतलब बहुत सारे उनको अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन पहचान पत्र मिले। बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये पहले भारतीय बने जिनको जो है अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर, सो वेल नोन व्हेन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान में उनके नाम से एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया। तहार मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्ला खान नेशनल स्टैंडर्ड नंबर 10। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, यही तीन अवार्ड होते हैं जो दिए जाते हैं भारत रत्न को छोड़कर, वे आर कन्फर्ड ऑन हिम। भारत रत्न भी दिया गया इन 2001। उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड।
with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उन्होंने कहा अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ. This is Hindustan's richest tradition. ये भारत की बहुत ही सबसे धनी परंपरा है. और आज तो ऐसा है कि पश्चिम देश के लोग, विदेशों के लोग भी भारतीय म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं. 12. In spite of having traveled all over the world, सारी दुनिया घूमने के बाद भी खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब वो उनका जो घर है, उनका जो ननिहाल है बनारस में, दो टाउन उनके लिए बहुत ही वंडरफुल जगह है दुनिया में. सबको अपना घर और ननिहाल प्यारा होता है. ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड SNI स्कूल इन द USA. उनका एक बार शिष्य उनसे कहा कि आप अमेरिका में USA में एक SNI स्कूल खोलिए. एंड ए स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. उसने कहा कि मैं अमेरिका में ऐसे ऐसे टेम्पल बना दूंगा कि आपको एकदम पूरा बनारस की तरह ही लगेगा आप. लेकिन यहाँ ये क्या करिए, SNI स्कूल खोलिए. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. क्या तुम रिवर गंगा को भी उठा के अमेरिका में ले जाओगे. लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज व्हाई व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान्स म्यूजिक व्हाइल इन मुंबई आई थिंक इफ ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा एंड द व्हाइल इन बनारस आई मे द यूनिक मट्ठा आप डुमराव. मट्ठा होता है जो दही से बनता है, आप लोग जानते होंगे. नाउ सो शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान. बिस्मिल्लाह खान से एक इंटरव्यू में लिया गया. बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस. मैं बनारस छोड़ दूँ, नेवर, मैं कभी नहीं छोड़ सकता. आई वेंट टू पाकिस्तान वंस. आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. मतलब मैं एक बार पाकिस्तान गया सिर्फ एक घंटे के लिए. पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा, भारतीयों को सलाम अलैकुम. आखिर वो फिर भारत को कभी नहीं छोड़ सकते. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट द डिवोट मुस्लिम लाइक हिम. डिवोट बहुत ही समर्पित मुस्लिम थे भारत के. ऐसे मुस्लिमों की ज़रूरत है हमारे देश में. कैन वेरी नेचुरली प्ले द SNI एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. वो काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के टेम्पल में सुबह सुबह ही SNI बजाते थे. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006. वह 21 अगस्त 2006 को हमारे बीच से चले गए एट द एज ऑफ 90 वर्ष की उम्र में आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. कभी प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफ़ी लंबी चलने वाली बीमारी के बाद. ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल. उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. ए स्टेट फ्यूनरल मीन्स राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. और भारत सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी. इस छोटे से चैप्टर में आपको ऐसी ऐसी झलकियां दिखी होंगी कि ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी हमारे देश में रही, ऐसे डिवोटेड मुस्लिम हमारे देश में रहे. अब इस अध्ययन के आधार पे आप जो है इसके नीचे के क्वेश्चन आंसर करेंगे. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.